अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको तलोर बनाना सिखाते हैं, तलोर का सालन। और ये देखें इसकी नेक कितनी लंबी है, ये देखें ज़रा, लंबी नेक है इसकी। ये साबित हमें शिकार मिला है, गिफ्ट मिला है जी ये हमें अपने भाई की तरफ से। तो आज ये हम आपको बनाना सिखाते हैं। पहले हम इसको करेंगे कट, फिर इसके बाद हम इसका मसाला बना के इसको आपको दिखाते हैं। आज चलें कट करते हैं हम इसको। ये चूंकि शिकार होता है, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ले जी, हमारी तलोर की कटिंग हो गई है। ये देखें इसकी टांगे, देखें कितनी प्यारी हैं, बारीक बारीक, और कितना खूबसूरत शक्ल बनी हुई है। ये हमने इसकी जो नेक है ना, वो बिल्कुल अलहदा कर दी है। ये हम पकाएंगे नहीं, ये हमारी सारी कटिंग हो गई है, अब हम इसको धोते हैं। हाँ जी, तो तलोर को बनाने के लिए हम लेंगे 2 मीडियम प्याज स्लाइस किए हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पोथी लहसुन की थी, और थोड़ा सा टुकड़ा एक अदरक का था। ये साथ है थोड़ा सा चुकंदर का पीस, थोड़ा सा ये लेंगे। साथ लेंगे हम अदरक स्लाइस किया हुआ, हरी मिर्चें, ये गरम मसाला है। ये है नमक, मिर्च, ज़ीरा मिक्स, जो खड़े गरम मसाले होते हैं, और ये है सूखा धनिया, और ये एक तेज़पत्ता। इसके साथ जाएगा दही, और ये जाएगा टमाटो पेस्ट। टमाटो की प्यूरी बना के ना फ्रिज की हुई है मैंने, फ्रेश टमाटर इस टाइम मौजूद नहीं थे तो मैंने ये निकाल लिया। और साथ जाएगा एक जग पानी का, छोटा वाला पैन रखा। इसमें डालेंगे हम चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल का, क्योंकि ये हमने फ्राई करना है पहले, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसमें थोड़ा सा धुआँ आ ले, इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे। हाँ जी, तो ये ऑयल में से निकल आया धुआँ, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करके साथ हम इसमें डाल देंगे तलोर, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे, 5 से 6 मिनट, हल्का सा कलर चेंज होगा, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि ये शिकार है, शिकार की ज़रा स्मेल थोड़े आम हमारे ये चिकन वगैरह से ज़्यादा होती है, इसकी स्मेल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये थोड़ा आम, हालांकि ये चिकन की तरह लगता है, लेकिन शिकार जो है ना, वो गलता थोड़ा लेट है, टाइम ज़्यादा लेता है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हल्का सा इसका कलर चेंज करने के बाद फिर हम दूसरे मसाले बना के इसके अंदर डाल के पकने रख लेंगे। हाँ जी, इसका कलर चेंज हो गया, अब हम इसको निकाल देंगे प्लेट में। अब जो बचा हुआ ऑयल है ना, इसी ऑयल में अब हम डालेंगे प्याज, और इसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करेंगे। इसके साथ हम डालेंगे ये तेज़ पत्ता, और ये थोड़े से खड़े में गर्म मसाले, इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा जाएगा इसके अंदर, और अब हम इसको प्याज को फ्राई करते हैं। कलर बदलना शुरू हो गया इसका, आप ये देखें प्याज का जैसे ही थोड़ा सा रंग बदलना शुरू हो, अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच है ये जाएगा। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, जैसे ही ये कलर चेंज करने लगे, खुशबू आने लगे लहसुन अदरक की, तो फिर इसके अंदर हम तलोर को ऐड कर देंगे। ये जो खुशबू आने लगी है लहसुन अदरक की, अब इसके अंदर हम थोड़े से गर्म मसाले और नमक, मिर्च, हल्दी जो आपको दिखाए थे वो ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा कलर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ये जो चुकंदर का पीस है ना ये वाला, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो ऑयल का कलर है ना, वो बिल्कुल रेड और खिला हुआ प्यारा सा आएगा। देखिए, मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही रंग ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इधर हम डालेंगे जो हमने हल्का सा फ्राई किया हुआ तलोर था, वो डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छी सी बुनाई करके इस फॉर्म पे भी
ज़बरदस्ती बुनाई करेंगे हम इसकी। ये अरबियों की पसंदीदा डिश है। जब इसके शिकार का मौसम आता है तो अरबी बाहर से आते हैं और पाकिस्तान में आके बाज के साथ इसका शिकार किया जाता है। बाज इसको पकड़ के लाता है, फिर ये वो अपने बाहर अपने मुल्क उधर शिफ्ट करते हैं, उधर जाके मज़े मज़े लेके खाते हैं, इधर भी खाते हैं लेकिन उधर भी खाते हैं। ये उनको बहुत पसंद है भाई। चलो हमने कहा चले हम आपको बना के दिखाएँ ताकि आप भी करें इसका शिकार जब कभी आपको बनाने में मसला ना हो। जी अच्छी तरह से इसकी बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का जो ये रखा हुआ ना हमने पेस्ट बना के। टमाटर फ्रेश थे नहीं, मैंने कहा आने में टाइम लगेगा, ये मैंने रखा होता है फ्रीजर में ना, इसको ब्लांच करके ना हल्का सा टमाटरों को इसका छिलका उतार के इसका पेस्ट बना के फिर टुकड़े करके क्यूब में इसको फिर रख देती हूँ। हाँ जी, तो ये भुनने के बिल्कुल करीब करीब आ गए, दो चार मिनट हो गए हमें, चार पाँच मिनट इसको बुनाई करते हुए। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। देखिए कलर छोड़ दिया है उसने अपना, रंग चेक करें जरा, इतना ज़बरदस्त कलर आ रहा है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है जो कि सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। चलोर का भी अपना ही टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। फुल घी छोड़ दिया, ये देखिए घी छोड़ दिया, जब किनारे छोड़ने लगे तो समझें कि भुनाई हो गई अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसको मीडियम टू लो पे एक घंटे के लिए पकने छोड़ देंगे। ये देखें ना, ये हमने आधा घंटा खिलाया है लेकिन ये देखें बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल ज़रा भी नरम नहीं हुआ। इसका मतलब है इसको एक घंटा अभी और दरकार है गलने में। ये देखें जी, एक साइड पे हमने पानी गर्म करना रखा हुआ था, अब इसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे। पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको चलिए। अब हम इसको छोड़ देंगे जी पूरा एक घंटा। एक घंटे के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि इसकी क्या शक्ल बनती है। दही तो मैं भूल ही गई बुनाई के दौरान, चलें कोई नहीं अब पक जाएगा, जैसे जैसे गोश्त गलेगा साथ साथ दही भी पकता जाएगा। हाँ जी, तो आधा घंटा हो गया, अब हम इसको देखते हैं। ये तो अभी हाफ डन हुआ है, अभी इसको एक घंटा और लगेगा पकने में। अच्छी तरह भूनते हैं। कलर देखा, ऑयल का कलर चेक करें ज़रा कैसा ज़बरदस्त बन रहा है। तरह इसका पानी जब हो जाएगा ड्राई और फिर अच्छी तरह बनाई होगी, फिर इसके अंदर दोबारा पानी डालते हैं। ये देखिए जी, फ्लोर पक चुका है, अब ज़रा घी ऊपर आ ले, फिर हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। शॉर्ट करके थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, गरम मसाला डलेगा इसमें, एक हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा अदरक इसमें, थोड़ा सा गार्निश के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारा डिश आउट हो गया, अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से अदरक के स्लाइस और थोड़ा सा धनिया। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे और एक आधी हरी मिर्च रख देंगे। लें जी, हमारा तिलौर रेडी है, खाएं आप भी, बनाएं इंजॉय करें, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है, कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। ये देखें जी, ये चुकंदर का कमाल है, उससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है।